Assalamu alaikum everyone. My name is Amara and I am mom of one boy jo ke mashallah is June mein wo 3 saal ke ho jayenge aur very soon unke bhai ya behan bhi aane wale hain. To aaj ki video mein main apna hospital bag aur baby ka hospital bag mein maine kya kya rakha hai wo share karungi aapse. Right now I am 37 week plus 5 days pregnant. So, क्या stuff मैंने डाला है अपने लिए और baby के लिए वो मैं share करूँगी. तो ये जो आप सामने bag देख रहे हैं trip का, इसमें मैंने सारी अपनी चीज़ें डाली हैं और काफ़ी बड़ा bag है. और इस वाले bag में मैंने baby की चीज़ें डाली हैं. ये काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा आपको फुल हुआ हुआ, क्योंकि इसमें मैंने उसके जितनी भी शॉपिंग की है वो सारी डाली हुई है. तो ये वाला बैग मैंने डेबडम से लिया था और ये ट्रिप का बैग है. और ये वाला बैग जो है ये एक्सेसराइज से लिया था, उसका टैग भी अभी तक लगा हुआ है और 50% ऑफ पे लिया था. इसकी प्राइस 40 पाउंड है लेकिन मैंने ये 20 पाउंड में लिया. काफ़ी अच्छा बैग है. और ये वाला बैग जो है ये हाथ का है, क्योंकि अगर हमें इमरजेंसी में उसको कहीं किसी के घर फैमिली फ्रेंड के घर छोड़ना पड़ता है तो उसके लिए भी मैंने बैग उसका पैक किया हुआ है. तो ये 3 बैग हैं जो मैं आपको शो दिखाऊंगी कि इनमें मैंने क्या क्या स्टफ़ डाला है. सबसे पहले मैं अपना बैग दिखाऊँगी आपको कि उसमें मैंने अपनी कौन कौन सी चीज़ें रखी हैं. अपने बैग में मैंने पैक कर किया है सबसे पहले तो अपने नोट्स, हॉस्पिटल नोट्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो लेके जाना है. प्लस मैंने हाथ की दफ़ा तो मैंने ये यूज़ नहीं की थी मशीन, लेकिन उस टाइम पे भी मुझे पता था बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं यूज़ कर सकी. और उस टाइम पे लेबर में भी मैंने कोई पेन रिलीफ नहीं लिया था, लेकिन इस दफ़ा मैं ये मशीन यूज़ कर रही हूँ. उसको टेंस मशीन बोलते हैं और एलिटेंस मशीन है ये. ये मैंने अमेज़ोन से रेंट पे लिए, हायर की है और ये मैं इस दफ़ा यूज़ करूँगी. और मुझे नहीं पता कि कैसे वर्क करती है, कितनी अच्छी है, इसके रिव्यू मैं अभी तो नहीं दे सकती हूँ. लेकिन अगर आपको इसके बारे में रिव्यूज़ चाहिए हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आफ्टर डिलीवरी ज़रूर इसका रिव्यू डाल दूँगी. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको इसके बारे में कोई रिव्यू चाहिए. तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, ये मैं पैक करूँगी अपने बैग में. और इसके अलावा मैं एक शॉल अपनी पैक कर रही हूँ जस्ट इन केस के आपके कोई मिलने आता है हॉस्पिटल तो आप ज़रा कंफर्टेबल रहें. अगर आप जर्सी पहनना नहीं चाहते, कोई कार्डिगन नहीं पहनना चाहते, तो कम से कम एक शॉल है. ये प्राइमार्क से मैंने एक लॉन्ग ड्रेस लिया है और इसके साथ एक मैचिंग ट्राउज़र. और ये लार्ज साइज़ में मैंने लिया है, ये काफ़ी लॉन्ग है. और इसको ये इंशाल्लाह बाद में डिलीवरी के बाद यूज़ होगा. इसके साथ तकरीबन मैच करता हुआ ट्राउज़र है एक. और एक मैं ये ड्रेस पैक कर रही हूँ ब्लैक कलर में. ये भी डार्क कलर में है, ये भी डार्क ब्लैक तकरीबन, ये ग्रे कलर बनता है और ये ब्लैक कलर में. इसके साथ एक ट्राउज़र रखा है, ये भी लॉन्ग ड्रेस है और दोनों में बटन है फ्रंट पे ताकि नर्सिंग में आसानी रहे. ये भी प्राइमार्क का है. इसकी तो प्राइस मैं भूल गई हूँ क्योंकि ये मैंने काफ़ी दफ़ा पहना हुआ है. और ये शर्ट जो है ये मैंने 5 पाउंड में ली है और ये ट्राउज़र भी गालबन 5 पाउंड का ही है प्राइमार्क से. यस, ये भी 5 पाउंड का ही है. तो ये 2 ड्रेस मैं पैक किए अपने लिए, एक शॉल. इसके अलावा कुछ मेकअप का सामान अपने साथ लेके जा रही हूँ. ये मैं आपको खोल के दिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या है. एक तो ये, इसके अलावा
ये भी मैं खोल के दिखाती हूँ आपको कि इसमें मैंने क्या क्या पैक किया है। ये दो बैग हैं, एक ज़रा मोटी है और एक नॉर्मल सी। इसके अलावा कुछ अंडर गारमेंट्स की चीज़ें हैं जो एज यूजुअल लेके जानी है, कुछ मैटर्निटी पैड है नर्सिंग के लिए है, और ये मैंने एक स्पेयर शूज़ रखे हैं कि अगर इन केस मुझे वहाँ बाथ लेना पड़ता है या टॉयलेट वगैरह यूज़ करने के लिए। ये भी प्राइमार्क से है। तो ये तो है सामान, अब मैं आपको वन बाय वन ये ओपन करके दिखाती हूँ कि इसमें क्या मैंने रखा है। ये इस ट्रांसपेरेंट बैग में मैं अपना मेकअप का सामान डालूंगी, और ये भी मैंने प्राइमार्क से लिया था। एक मैं कॉम डाल रही हूँ, क्रीम है, ये लिप बाम है, और एक ग्लॉस, एक ब्लश ऑन के लिए या बेस के लिए एक ब्रश, ये दोनों चीज़ों के लिए यूज़ हो जाएगा। और एक सैम्पल साइज़ की ये रखी है मैंने बेस, ब्लश ऑन और एक मॉइस्चराइज़र। इसके अलावा एक पोनी है और एक ये कैचर। तो बस इतना सा ही रख रही हूँ मैं ज़्यादा मेकअप नहीं रख रही। पता नहीं आपका दिल उस टाइम कर पाता है या नहीं, इतनी हिम्मत होती है कि नहीं ये मैं कर पाऊँगी कि नहीं। हाथ की दफ़ा तो मैंने खैर थोड़ा बहुत कर लिया था, लेकिन इस दफ़ा भी रख ज़रूर रही हूँ, कोशिश करूँगी करने की, लेकिन कुछ कह नहीं सकती। इसीलिए मैंने मेकअप बहुत लिमिटेड सा नॉर्मल सा रखा है। जी इस बैग में मैं अपना ये वाला सामान रख रही हूँ। इसमें ये 3 बॉटल्स हैं जो मैंने प्राइमार्क से ली थी। एक में शैम्पू डाला हुआ है, शॉवर जेल है, कंडीशनर है, और इन केस अगर मैं वहाँ पे आफ्टर डिलीवरी बाथ लेना हो तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने तीनों में डाल ली हैं। इसके अलावा पैरासीटामोल है, ये डिओड्रेंट है, इसके अलावा 2 टिश्यू पेपर के पैक रखे हैं, पेट्रोलियम जेली रखी है, और टूथपेस्ट रखा है, टूथब्रश रखा है, और इसके अलावा ये 2 नर्सिंग पैड रखे हैं जिनकी ओबियसली शुरू के 2-3 दिन में तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सिर्फ मैंने ये रख लिया एहतियातन। ये जाएंगे मेरे इस बैग में। और इसके अलावा मैंने 2 एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग रखे हैं कि अगर कोई भी गंदे कपड़े बेबी के या मेरे हैं और मुझे वो घर लेके आने और मैं किस बैग में नहीं डालना चाहूँगी ऑब्वियसली, तो वो मैं इनमें पैक कर लूँगी। तो ये 2 शॉपिंग बैग हैं। ये हाथ के कपड़े हैं जो मैं अपने ही बैग में रखूँगी। एक जोड़ा है उसकी पैंट शर्ट और एक नैपी। नैपी की फ़िलहाल उसको डे के टाइम पर तो ज़रूरत नहीं होती है। आ रही हूँ बेटा, ओके देती हूँ। तो नैपी की डे टाइम में तो ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन एहतियातन एक नैपी मैं ज़रूर रख रही हूँ। तो ये था वो चीज़ें जो मेरे बैग में जाएंगी। अच्छा जी, ये हाथ के लिए मैंने चीज़ें पैक की हैं कि अगर हमें रात के टाइम हॉस्पिटल जाना पड़ता है और इसको किसी दोस्त के यहाँ छोड़ना पड़ता है तो इन दैट केस इसका बैग भी पैक रहे। तो एक मैंने स्लीपिंग सूट रखा है इसका, एक वेस्ट रखी है, एक पूरा ड्रेस है शर्ट और पैंट, एक टी शर्ट और ट्राउज़र रखा है, टी शर्ट और ट्राउज़र है, कुछ वाइप्स हैं, अगेन कुछ नैपीज़ हैं। नाइट के टाइम पे भी मैं इसको खैर नैपी लगाती हूँ, तो ये उस मकसद के लिए, और प्लस ये एक सॉक्स रखी है। तो ये तो हाथ का बैग पैक है। अभी मैं सोच रही हूँ कि इसमें एक इसका एक टॉय भी रख दूँ ताकि ये अगर दिन के टाइम वह किसी के घर पे है तंग ना पड़े। तो ये इसका बैग पैक में सारी चीज़ें जाएंगी। ये बेबी की अभी तक की जितनी मैंने उसके कपड़ों की शॉपिंग की है,
ये वो सारे वो कपड़े हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये सारे बैकपैक में तो नहीं जाएंगे, इनमें से मैं कुछ लेके जाऊंगी तो, लेकिन मैं दिखाऊंगी आपको सारे और कौन कौन से लेके जा रही हूँ वो भी दिखाऊंगी। तो ये एक फर्स्ट आउटफिट है जो कि मैंने बूट से ख़रीदा था और ये मुझे हाफ प्राइस में मिला है, गालिबन ये 15 का था और आई डोंट नो ये 7-8 पाउंड का होगा, 7 और 8 पाउंड। ये एक आउटफिट है जो कि मैं साथ लेके नहीं जाऊंगी, लेकिन सिर्फ शॉपिंग जो की है वो भी मैं साथ साथ आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा ये एक ड्रेस है, ये ऊपर एक कार्डिगन है, नीचे बॉडी सूट है और एक साथ में ट्राउज़र है। ये मैंने टीके मैक्स से लिया था और एक हैट भी है। ये मैंने टीके मैक्स से लिया था और ये 15 पाउंड का है। ये भी अप टू 3 मंथ है, ये भी अप टू 3 मंथ है। और एक और ड्रेस है ये वाला, ये भी मैंने टीके मैक्स से लिया है। इसमें भी इसमें सॉक्स हैं, ये शर्ट है और साथ में एक छोटा सा ट्राउज़र है। ये क्या लगा हुआ है इसके, एक छोटा सा ट्राउज़र है, सॉरी एक ट्राउज़र है और एक शर्ट और ये एक कैप, नहीं कैप इसके साथ नहीं है। और ये है प्राइस 799, ये भी मैंने टीके मैक्स से लिया है और प्रोबेबली ये भी अप टू 3 मंथ ही है, अप टू 3 मंथ। इस पे एनिमल्स बने हुए हैं, एलिफेंट जिराफ वगैरह। एक ये ड्रेस है जो कि हॉस्पिटल बैग में भी जाएगा इंशाल्लाह। और ये मैंने ड्रेस लिया था इसका मार्क एंड स्पेंसर से, ये भी अप टू 3 मंथ है, 0 to 3 मंथ। और ये मुझे बहुत प्यारा लगा है। इसमें एक ये बेबी ग्रो है जिसको वनजी भी बोलते हैं। एक ये बॉडी सूट है, साथ में एक ट्राउज़र है और एक ये बिब है, लेट्स प्ले लिखा हुआ है, कुछ एप्लिक वर्क हुआ हुआ है और एक इसमें हैट है। और ये प्राइस इसकी आई थिंक 12 पाउंड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गालिबन मैंने ये 12 पाउंड का लिया है, इस पर प्राइस मेंशन नहीं है इस टाइम पे। और एक ड्रेस ये है जी फर्स्ट अप टू 1 मंथ। मैंने ज़्यादा अप टू 1 मंथ के नहीं लिए, सिर्फ यही 3 पैक, एक पैक था जिसमें 3 बॉडी सूट ये वनजीज थे, तो ये मैंने लिया और ये भी बूट से लिया और ये अप टू 1 मंथ है। इसके अलावा और मैंने 1 मंथ अप टू 1 मंथ का कोई भी नहीं लिया, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल उसका कोई फ़ायदा है कि बच्चा इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है कि ये हार्डली कुछ वीक ही पहन होगा। तो ये 3 का था सेट, एक ये येलो ब्लू स्ट्राइप्स के साथ, एक के ऊपर लिखा हुआ आई लव, लॉर्ड्स ऑफ लव है या मम्मी लव कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, एक आई लव सो मच डैडी जिस तरह से लिखा हुआ। तो ये मेरे हॉस्पिटल बैग में जाएंगे प्रॉबेबली, इनमें से 2 तो लाजमी जाएंगे और एक ये वाला हॉस्पिटल बैग में जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा भी अभी शॉपिंग कंप्लीट नहीं है मेरी, तो इसके अलावा मैं सोच रही हूँ कुछ नेक्स्ट से या मार्क एंड स्पेंसर से दोबारा कुछ लेने का, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा है कि एक वो अपनी मर्ज़ी का लेंगे, क्योंकि ये सारी मेरी मर्ज़ी की शॉपिंग है, तो वो चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी की भी हो। तो प्रॉबेबली नेक्स्ट से या मार्क एंड स्पेंसर से एक आधा ड्रेस और लेंगे बच्चे का। एक ये कार्डिगन है, ये ड्रेस ये कार्डिगन मैंने लिया है मामास पापा से, इनफैक्ट ये मैंने होम डिलीवरी करवाई थी। वैसे तो प्राइस वाइज ये
ओरिजिनल प्राइस इसकी 16 pound है, लेकिन ये मैंने सेल में लिया है 8 pound का अप टू 3 month. और जिस दिन मैंने ये लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक चीज़ का 8 pound के लिए होम डिलीवरी पे चार्ज करना था उन्होंने, तो उस दिन उनकी कोई ऑफ़र चल रही थी कि मुझे डिलीवरी भी फ्री पड़ी है. तो ये एक कार्डिगन है बच्चे का. इसके अलावा एक ये ड्रेस, ये पैक लिया है मैंने, ये जॉर्ज का है, एस्ट्रा 5 इसके अंदर बेबी ग्रोज है, और ये 950 का है अप टू 3 month. तो इस पर मैं अभी कंफ्यूज हूँ कि मुझे ये रखना चाहिए कि नहीं. बहरहाल इसमें कलर्स बहुत खूबसूरत हैं, ये रोबोटिक थीम के साथ है और काफ़ी ब्राइट कलर है. इसके अलावा एजडा से जो मैंने एक और ख़रीदा है वो ये है, 2 का सेट कडल्स विद मम्मी प्लस डैडी आर माय फेवरेट थिंग. ये 5 pound का है और इसके साथ एक छोटी सी क्यूट सी हैट है. ये मैंने बिब ख़रीदे हैं H&M से, और ये जो हॉस्पिटल में मैं पैक कर रही हूँ उस ड्रेसेस बच्चे के, उसमें भी ये इंशाल्लाह उसके साथ चल जाएंगे. ये इनके साथ 3 का सेट है, प्राइस इसकी 599 है. इसके अलावा H&M से मैंने ये हैट लिए थे, ये भी इनके साथ चल जाएंगे, इन ड्रेसेस के साथ जो मैं हॉस्पिटल बैग में पैक कर रही हूँ. इसके अलावा वेस्ट है 3, मैं तीनों की तीनों पैक करूँगी हॉस्पिटल बैग में, और ये मैंने एस्ट्रा से ख़रीदी है 275 की साइज़ में, ये भी अप टू 3 month है. इसके अलावा मुस्लिम क्लॉथ है, ये मैंने प्रॉबेबली यस प्राइमार्क से लिया, और वेस्ट हो गई और प्राइमार्क, प्रॉबेबली ये मैं वॉश करके हॉस्पिटल बैग में डालूँगी. बाकी कपड़ों में मैं कंफ्यूज थी कि मुझे वॉश करके डालने चाहिए, पैक करने चाहिए, या एज इट इज़. हाथ की दफ़ा तो मैंने खैर वॉश नहीं किए थे, लेकिन इस दफ़ा मुझे हो रहा है कि मुझे वॉश करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए. आप मुझे मशवरा दे सकते हो, बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि वॉश करना बेटर है या एज इट इज़ डालूँ, क्योंकि वॉश करने से जो कपड़े की अपनी एक वो चमक दमक और रौनक होती है वो तो डल हो जाएगी, लेकिन बेबी क्योंकि इतने सेंसिटिव होता है तो इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे ये वॉश करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए. मुस्लिम क्लॉथ है प्राइमार्क से, ये मैंने ख़रीदा था 330 का. ये भी मुझे कम लग रहा है, मुझे लग रहा है मुझे 3 का ही पैक और लेना चाहिए प्रॉबेबली एजडा से. ये सॉक्स ख़रीदी थी मैंने, ये 5 है गालिबन, यस 5 का पैक है, और ये 399 की है. इनमें ये कार वाली है ग्रे कलर में, अगेन कोई ट्रक सा बना हुआ है ब्लू कलर में, और वाइट और ब्लू कार बने ग्रीन कलर में, और फिर अगेन ग्रे कलर में, और उसके ऊपर ट्रक प्रिंट हुआ हुआ. अच्छा चीज, और जो पैक करूँगी बेबी बैग में वो है ये 10 नैपीज, और ये मैं नहीं रखूँगी कॉटन वूल्स, क्योंकि मैं वाटर वाइप्स यूज़ करूँगी, क्योंकि वाटर वाइप्स भी ये काफ़ी अच्छी वाइप्स हैं जो कि बच्चे की सेंसिटिव स्किन के लिए काफ़ी बेटर है. ये 99.9% वाटर, अ ड्रॉप ऑफ फ्रूट एक्सट्रैक्ट. तो मैं कॉटन वूल की जगह वाटर वाइप्स ही यूज़ करूँगी, एक तो कन्वीनियंट है, दूसरा ये सेफ़ है बेबी की सेंसिटिव स्किन के अकॉर्डिंग. अच्छा जी, इसके अलावा ब्लैंकेट मैंने ख़रीदा है, 2 ब्लैंकेट है, ये वाला, बल्कि ये दोनों ही टीके मैक्स से लिए. ये वाला मुझे बहुत ही प्यारा लगा है, ये निटेड है, आप देख सकते हैं
इसके कलर वगैरह मुझे बहुत अच्छे लगे, और ये है जी 13 pound का, 1299। ये एक ब्लैंकेट रखूँगी, और एक ये ब्लैंकेट है, ये भी टी के मैक्स से लिया है, एलिफेंट बना हुआ है, और ये वाला 599 का है। इसके अलावा एक ये ब्लैंकेट है, क्योंकि गर्म अब अभी तक तो खैर यहाँ पे मौसम ठंडा ही चल रहा है, इवन मई स्टार्ट हो गया, लेकिन कुछ कह नहीं सकती कि उस टाइम पे गर्मी होगी या टेम्परेचर थोड़ा बहुत ऐसा ही रहेगा कि गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। तो इन दैट केस मैं ये एक पतला सा ब्लैंकेट भी रख रही हूँ। ये हाथ की दफ़ा का ब्लैंकेट है, लेकिन हाथ ने शायद एक दफ़ा या दो दफ़ा यूज़ किया हो, तो ये कोई ख़ास यूज़ नहीं हुआ, तो लेकिन मैंने ये वॉश करके ये भी अपने साथ बेबी के हॉस्पिटल बैग में रख रही हूँ। तो ये तो वो स्टफ़ है जो मैं बेबी के हॉस्पिटल बैग में रखूँगी। इसके अलावा अपना ऑब्वियसली कैमरा, चार्जर, अपना मोबाइल, इस तरह की चीज़ें भी रखनी हैं जो कि अल्लाह करे उस टाइम पे याद भी रहे। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दुआओं में प्लीज़ याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।